इतनी नफरत तो लोग सच के बुरे लोगों से नहीं करते जितनी तूने पैदा करा दी दूसरों के मन में अपनी एक्टिंग से। बस तू ऐसे ही इन्हीं खिलौनों की तरह मुस्कान का दिल तोड़ती रहे, फिर बाद में चाहे जितनी आंसुओं की नदियां बहा लेना। मतलब इस फिल्म की डायरेक्टर आप थी अम्मा? और देखो मेरी पहली ये फिल्म सुपरहिट भी हो गई। पर इतना धमाकेदार आइडिया आपको आया कैसे? उस दिन घोषदा को देख के मैंने देखा घोषदा हथौड़े से कील ठोक रहे थे, उनके एक ही वार ने कील को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। अब ये समझ लो कि आरती हथौड़ा है, मुस्कान कील पर, वार मेरा था। वाह वाह अम्मा वाह, मान गए आपको, आपको ऐसे ही अम्मा नहीं कहते। पर आपने ये सब किया कब? देख आरती, इतने सालों तक पहले मैंने तेरा और फिर तेरी बेटी का ख्याल रखा, तेरे कहने पर उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक मौका दिया। पर किस्मत के आगे मौकों की कहां चलती है। लेकिन तेरी बेटी की किस्मत में शायद किताबें नहीं घुंघरू लिखे। एक बात तो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं जुबान की कितनी पक्की हूँ, इसलिए आज जो मैं कहना चाहती हूँ उसे अच्छी तरह से सुन ले, क्योंकि मेरी कही एक एक बात पत्थर की लकीर है। जेल, इस जेल की काल कोठरी से भी काला हो सकता है तेरी बेटी का जीवन, और ये तू आज अच्छी तरह से समझ गई होगी, इसलिए फिलहाल जो मैं समझाने आई हूँ वो समझ ले। तेरी बेटी की पढ़ाई, उसकी परवरिश सबका ख्याल में रखती, अगर तूने सरजी के साथ ऐसी बदतमीजी ना की होती तो, और तू अच्छी तरह से जानती है सरजी के गुस्से को, उनके मुताबिक इस बाजार में बैठी लड़की के पास कोई मौका नहीं होता। लेकिन तेरी बेटी के पास मौका है, बस उसे चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। एक तरफ है चमचमाते चार दीवारियों के बीच कोठे की काली जिंदगी, और दूसरी तरफ है सफेद कागज पर काले अक्षरों से लिखी तेरी बेटी की खुशनुमा जिंदगी। चुनना क्या है तू चुन ले। ये तो यहाँ की सबसे अच्छी स्कूल के एडमिशन पेपर है, और इसमें मेरे मुस्कान के नाम में लिखा है अम्मा। और नाम का ये तो खेल है आरती, तेरी बेटी स्कूल कॉलेज जाएगी तो नाम कमाएगी, पर ना कोठे की काली जिंदगी तो उसके किस्मत में लिखी दी गई है। मेरे बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आप मुझसे क्या चाहते हो अम्मा? नफरत। वाली नफरत जो आप मुझसे करती हैं, वो नफरत जो मैं आपसे करता हूं, आपको वही नफरत का बीज अपनी बच्ची के मन में उतारना है, एक नफरत का पेड़ लगाना है आपके प्रति। उस समय अगर आपने नौटंकी नहीं की होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आरती जी, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि।
आखिर ये सब कुछ करके आप लोगों को क्या मिलेगा? कलेजे को ठंडा कार्ती जी। याद है आपको, ये अभी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, याद है ना? देख आरती, सर जी की बात मान लेने में ही भलाई है। फिर मैं वादा करती हूँ कि तेरी बेटी को उस बाजार का वो रुख ही नहीं करने दूंगी जो रुख करके तू यहां तक पहुंच गई। और कोई चारा भी नहीं है इसके पास। एक बात बताता हूं, पूरी जिंदगी सड़ा दूंगा यहां अंदर, निकलने नहीं दूंगा। तुम यहां पूरी जिंदगी इस काल कोठरी में सड़ोगी और तुम्हारी बच्ची वहां उसकी गंध भोगेगी पूरी जिंदगी। फैसला तेरे हाथ में। नहीं, ये आरती जलकर कोयला बन जाएगी लेकिन अपनी बेटी को उस काली बाजार में कभी जाने नहीं देगी, कभी नहीं। ए, 3 डिब्बों की लोकल। अगर आरती को पुचकारने या मुस्कान को कुछ भी बताने की कोशिश की तो याद रखना इसकी फांसी की डोर अभी भी मेरे हाथ में है। ये क्या खेल खेल गई अम्मा? मुस्कान का सौदा हुआ ये तो बताया नहीं, बल्कि उनसे वादा कर दिया मुस्कान के अच्छे भविष्य का। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया है। आरती दीदी के लिए यही सही मौका है। हमें आरती दीदी को मुस्कान के देवता के बारे में बताना पड़ेगा। पर इस वक्त हम स्टेज पे नहीं गए ना तो अम्मा को ना शक हो जाएगा। तुम सही बोल रही हो लोमी। सुजैन करें क्या? लेकिन सुन, तू आरती दीदी के पास जा, हम दोनों स्टेज पर जाके ध्यान बटाते हैं। ओके वाली थी तुझे? ज्यादा दिमाग चलाएगी ना तो याद रखना वहां बेटी का वो हाल करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। भेज दूंगी अभी तस्करों के पास। मेरी बच्ची। ए लड़की इधर आ। ए लड़की जाके पानी लेकर आ। जा। क्या हुआ, कान में तेल डाल के रखा है क्या? सुना नहीं तूने मैंने कहा पानी लेकर आ। जा। मम्मा आप मुझे बार बार ए लड़की क्यों बुलाती है? मेरा नाम मुस्कान है, प्लीज मुझे मुझसे बुलाइए ना। हो गया, अब जा, जाके पानी लेकर आ। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। तेरे हाथ से ज्यादा तेरी जुबान चलने लगी है आजकल। पानी रख, बड़ी आई। मुझे बुलाइए ना। जा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुझे कैसे बताऊं कि तेरी माँ अपने सीने पे कितना बड़ा पत्थर रख के तुझसे ऐसा बर्ताव कर रही है। मगर मेरी आज की इस नफरत तेरे कल का उज्जवल भविष्य लेकर आएगी। मेरी बच्ची, मेरी जान। बेटा, तुम हमेशा अपनी राखी मासी को गलत समझती रही,
आज तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तरस आ रहा है तुम पर। जिस माँ के लिए तुमने अपना बचपन कुर्बान कर दिया, वो माँ अब तुम्हें अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर रही है। बेटा, अब तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा।